लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंस्पेक्टर शिंदे। यस आई एम इंस्पेक्टर भागवत। हम लोग सीआरपी हेडक्वार्टर से आए हैं। जी हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सखराम जी साहब, टोनी को बाहर ले आओ। अच्छा साहब, लीजिए यहां साइन कर दीजिए। जरा ख्याल रखिएगा, ये टोनी ब्रिगेंजा बहुत खतरनाक मुजरिम है। चलो। अरे चलो चलो अंदर। मेरा नाम इंस्पेक्टर भागवत है। मैं सीआरपी हेडक्वार्टर से एंथनी ब्रिगेंजा को लेने के लिए आया हूं। तो फिर वो लोग कौन थे? टोनी साहब, अपन को पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस साले का तुमको थाने से निकालने का प्लान ना अपन को एकदम परफेक्ट लगा। मैंने सोचा एक बार तुमको पुलिस स्टेशन से निकाल दूं, फिर देखता हूं साले को। अपुन ने भी कोई कच्ची गोली थोड़ी ना खेला है गुरु, ऐसा पैतरा बदला कि याद करेगा जिंदगी भर। वो साला खड़ा होएगा अहमदाबाद हाईवे पर अपुन का इंतजार करते हुए, और अपुन पहुंचेंगे थाना क्रिक। उधर तुम्हारा बोट बिल्कुल तैयार है, एकदम रेडी।
मुझे मालूम नहीं।
मैं अभी अभी पहुंचा हूं। और आपको कुछ मालूम है? जी मैं भी अभी पहुंचा हूं। गुड। और आप? सर मैं भी अभी पहुंचा हूं। वेरी गुड। और शायद आप भी अभी अभी यहां पहुंचे। इस डिपार्टमेंट को आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है जो वारदात पर हमेशा देर से पहुंचते हैं। और याद रहे, अगर मुझे एक भी ऐसा चश्मदीद गवाह मिल गया जो कि यहां ठीक टाइम पर पहुंचा था, तो फिर यू ऑल हैड इट। एक बात मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, क्या मैं अकल से या शक्ल से ऐसा लगता हूं जो कि वाकई आपकी बात मान जाए? यस सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विजय, कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाइए, मैं खुद इस केस की इंक्वायरी करूंगा। अगर कोई भी गैर कानूनी बात नजर आई तो एक्शन लिया जाएगा। कल सुबह 10 बजे, वक्त पर, आज की तरह देर से नहीं।